हेलो एवरीवन, दिस इज योर रंजित सोनी। तो आज हम आपको ले जाएंगे करसोग, करसोग से तत्तापानी, तत्तापानी से हो सकता है हम शिमला चले जाएं। और आज की जो ब्लॉगिंग रहेगी वो सुंदरनगर से करसोग की रहेगी। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आपको आज के सफ़र का आनंद उठवाते हैं। तो अभी हम रिसेंटली रामा होटल के पास में हैं। ये अभी आपका चौकी और पंडार से थोड़ा, चौकी और रोहंडा से थोड़ा आगे रहता है आपका करसोग रोड। और ये हमारे गीतानंद भाई। हेलो, नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई जी। और ये हमारे नरेंद्र ठाकुर जो आज हम आ पहुंचे हैं बखरौट, और बखरौट आके हमें दर्शन होते हैं हनुमान जी के। जय श्री राम। और यहां पहुंचने पर हमें करसोग का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। और अभी बिल्कुल सामने हमें भंथल नाम की जगह दिखाई दे रही है। इस जगह का नाम है सरनारली। यहाँ से आपको एक रास्ता रामपुर का और दूसरा रास्ता करसोग का मिलेगा। तो आपको नीचे वाले रास्ते से करसोग जाना है। जय माँ कामाक्षा। कामाक्षा माता मंदिर करसोग से 5 किलोमीटर आगे काव नामक स्थान पर है। यहाँ पर दशहरे से एक दिन पहले अष्टमी के दिन माता की जाग रहती है। अष्टमी से पिछली रात को गांव के लोग मशाले जलाकर पूरे गांव का एक फेर लगाते हैं। आप अभी कैमरे पे एक तरफ माता कामाक्षा जी और दूसरी तरफ पुंडरीनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। त्रि जाग के अगले दिन माता कामाक्षा जी का रथ और पुंडरीनाथ जी का रथ पूरे गांव का फेर लगाता है। यहां की परंपरा के अनुसार गांव का फेर हर साल इसी तरह से माता के रथ द्वारा लगाया जाता है, जिससे अच्छी फसल और सुख समृद्धि की मनोकामना की जाती है। मंदिर के अंदर हमें परशुराम गुफा देखने को मिली। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस गुफा में परशुराम जी ने आकर तपस्या की थी। गुफा के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, पर पुजारी द्वारा कह जाने पर इस गुफा में परशुराम जी की एक प्रतिमा विराजमान है। पांडव ढोल। पांडव ढोल के बारे में जानकारी मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये ढोल किसने बनाया और क्यों बनाया और कब बनाया और कहां कहां और कौन कौन से मंदिर में ये ढोल आज भी विस्थापित है। माता कामाक्षा का शयन कक्ष। प्राचीन मान्यता के अनुसार आज भी माता रानी रात्रि के समय शयन कक्ष का इस्तेमाल करते हैं और सुबह के समय बिस्तर में सिलवटें पाई जाती हैं। स्नान का आनंद लिया। और हम नहाने के बाद निकल पड़े वापिस सुंदरनगर की ओर। और इस बार का हमारा जो रूट था वो सुंदरनगर के लिए बाया निहरी होके था, और बीच में बहुत सी खूबसूरत जगहें हमें मिली। Thank you.
यहाँ से होकर इस पहाड़ पे जो फर्स्ट से सेकंड वाला जो दिख रहा है वहाँ से होते हुए और लास्ट में जो आपको लास्ट वाला जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ जाना है। उससे पीछे हमारा वो सामने जो पहाड़ आपको शायद कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से एक दो तीसरा जो पहाड़ है वहाँ पे निहरी नाम की जो गांव है और निहरी से फिर पंडार, पंडार से फिर आगे रोहांडा, रोहांडा के बाद हम अपना सुंदरगढ़। का पहाड़ है पूरा, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ से अपने पशुओं के लिए घास काट के ले जाते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना स्ट्रगलर रहता है इनकी लाइफ में। ऐसी मतलब अपने मतलब बोल सकते हैं इतने हिम्मत, बहुत ही हिम्मत चाहिए भाई, मुझे तो देख के डर लग रहा है, बहुत ही हिम्मत चाहिए इस तरह का काम करने के लिए। ये लोग यहाँ से घास काट के अपने पशुओं को चारा ले जाते हैं, बहुत रिस्की है भाई। बशा कौआ तेरे आंगने, तेरे आंगने, तेरे आंगने, आई जा रे तेरे पौने, तेरे पौने, तेरे पौने। लची लची लोग गुलाने, ओ लची मेरा नाम सजना, लची लची लोग गुलाने, मेरा नाम सजना। पानी री टांकी ओ भाई रमा। क्या नाम है आपका? इधर आवा के जैसे यस यस। कहाँ रहते हो आप? बरंग में। बरंग में इस जगह का नाम क्या है? ऊपर कौन सी इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का है नरा। नरा, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं पढ़ती हूँ तीसरी। तीसरी में? और भाई आप क्या करते हैं? बरंग में सबका सबका। आप क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? लक्षिता। लक्षिता, आपका क्या भाई छोटे भाई? यश ठाकुर, एम एन ठाकुर। ओए किसका बेटा है यश ठाकुर? रुपू और चिकू। ओके बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय बाय। चंबावार की नदिया पारा ओ लाल रंगी है। तो हम आ पहुंचे हैं पंडार। पंडार से जो एक रास्ता जो यहां से जो शिमला, तत्तापानी और निहरी, निहरी से होकर शिमला के लिए ये रास्ता शॉर्ट में पड़ता है और जो थोड़ा लॉन्ग से है वो आपको वो वाला रास्ता जो दिख रहा है वो आपका बाया चिराग होकर शिमला पहुंचता है। उड़ने डुए गाय रे जेता खींचे त्वाला, उड़ने डुए गाय रे जेता खींचे त्वाला, उड़ने डुए गाय रे जेता खींचे त्वाला। पहुंचे हैं रोहांडा। रोहांडा में बहुत ही खूबसूरत हमारे बजरंग बली, हमारे वीर हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही वहाँ की पेंटिंग देख सकते हैं आप कि किस तरह से हनुमान की प्रतिमा को, हनुमान की पेंटिंग को इस बड़ी चट्टान, हनुमान जी बहुत ही वीर बलवान बोला जाता है इनको, और चट्टान को देखकर सचमुच वीर बल मतलब जो पेंटिंग बनाने वाला था वो भी सचमुच बहुत ही मतलब बहुत सुंदर कलाकार। तो फाइनली हम अपने इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
और हमें लाइक्स करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इसे शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की और वीडियोस के साथ हिमाचल की और जगहों और खूबसूरत वादियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।